नंबर 9 पर हो गया है टाई, बिकॉज ये है बस्कर डायरेक्टर अवार्ड, और इसके हकदार हैं वो दो डायरेक्टर्स जो सब कुछ करते हैं सिवाय फिल्में डायरेक्ट करने के, और ये दो सुपर डुपर महा इंटेलेक्चुअल बंदे महेश भट्ट और शेखर कपूर। इन्होंने लास्ट कौन सी मूवी डायरेक्ट की थी अगर ये फाइंड आउट करने बैठे तो शायद कई साल निकल जाएंगे। यस, क्योंकि ये दो क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर्स पूरे टाइम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ज्ञान बांटने में इतना बिजी रहते हैं कि उन्होंने कई सालों से कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की है। एलो कल्लो बात। इन शॉर्ट, दोनों के दोनों डायरेक्टर्स खुद ही डायरेक्शन से भटक के दुनिया भर की चीजें करते हैं, जैसे किसी भी अवार्ड शो की जूरी में शामिल होना, रियलिटी शोज जज करना, दुनिया भर के टॉपिक्स पर बड़े बड़े लेक्चर झाड़ना। मगर जब भी इनसे पूछो कि अगली फिल्म कब डायरेक्ट करोगे तो ये बात को ऐसे टाल जाते हैं जैसे किसी ने इनसे इनके ईमेल अकाउंट का पासवर्ड मांग लिया हो। भाई महेश जी, दो चार अच्छी हॉलीवुड मूवीज की डीवीडीज मंगवाइए भाई, उनको देख के इंस्पायर हो के कोई हिंदी फिल्म बना डालिए। शेखर पाजी, आप भी कब तक मिस्टर इंडिया के बारे में लोगों के मैसेजेस पढ़ पढ़ के खुश होते रहेंगे? जिन बच्चों ने मिस्टर इंडिया बचपन में देखी थी, अब तो उनके बच्चे भी बैंडिट क्वीन देखने वाले एज के हो गए हैं। भाई ये यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करना अब बस करो, और आप दोनों फिल्में डायरेक्ट करो। इसलिए डायरेक्शन का जबरदस्त बस्कर अवार्ड दिया जा रहा है आप दोनों को। एंजॉय।